जगुका जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज हम राजव्यवस्था की जो डे रूटीन की प्रक्रिया है, पॉलिटिकल सिस्टम की जो डे रूटीन की प्रक्रिया है, उसमें आज वॉल्यूम 16 के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल हमारे वॉल्यूम 15 के बारे में बात हुई और उससे पहले 14 वॉल्यूम के बारे में बात हुई। तो 14, 15 और 16 तीनों वॉल्यूम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों ही वॉल्यूम राष्ट्रपति के बारे में है। हमारी पहले वो पार्ट ए में जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि साहब राष्ट्रपति का सामान्य परिचय क्या है, सामान्य परिचय क्या है और उनका स्टेटस क्या है। दूसरे में हमारी वॉल्यूम में बात हुई, जो पार्ट में बात हुई कि साहब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। और तीसरे में आज हम जो बात कर रहे हैं पार्ट सी में, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ राष्ट्रपति का निर्वाचन और जो महाभियोग है वो ऐसा है कि ये पर्टिकुलर भी सिलेबस में देता है। जैसे ओवरऑल तो हम राष्ट्रपति पढ़ ही रहे हैं, अब जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसके सिलेबस में साफ साफ राष्ट्रपति नहीं दे रखा, बस केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है और साथ में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दे रखी है। इस प्रकार से हम देखें तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है, क्योंकि ये परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय बनता है। तो इसके बारे में आप देखिए, तो पार्ट सी है आज का टॉपिक का नाम हमारा, राष्ट्रपति का क्या है निर्वाचन। पार्ट सी में हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसके बारे में हम डिटेल से आज अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं इसको शुरुआत करता हूं। ठीक, तो देखिए दोस्तों एक बार देखिए आप इसमें, आप देखते हैं तो क्या है, देखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न एक एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करवाता है, कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन आयोग करवाता है, कौन करवाता है निर्वाचन आयोग। तो पहला प्रश्न होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन संपन्न करवाता है, तो निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। दूसरा प्रश्न है कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है, निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है तो वो विवाद उच्चतम न्यायालय में लाया जाता है, कौन से में, उच्चतम न्यायालय, आर्टिकल 71। दोस्तों हमने देखा तो पिछले आर्टिकल को एक बार घुमा लीजिए, हमने 52 से 62 तक राष्ट्रपति पढ़ा था, कल 63 से 70 तक कौन है उपराष्ट्रपति, और 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं वो उच्चतम न्यायालय में ले जाए जाएंगे। तो ये बारे में बात हुई, तो ये हमारी दूसरी बात है, निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में लाए जाते हैं, हो गया। अब तीसरी बात आती है कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करवाता है, कौन करवाता है, निर्वाचन मंडल करवाता है। जो हमारी कल बात हुई थी निर्वाचन मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद कौन सा है 54, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, हमने बताया था। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, हमने बताया था कि भाई हम पहला वोट एमएलए को देते हैं, एमएलए से क्या बनती है विधानसभा, दूसरा वोट हम एमपी को देते हैं, एमपी से क्या बनती है लोकसभा, और वो एमएलए जो विधानसभा बनती है, एमएलए से क्या बनती है विधानसभा, तो विधानसभा वाले वोट फिर राज्यसभा के मेंबर को देते हैं। इस प्रकार से तीनों संस्थाएँ हमारे वोटों से ही बनती है। तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो अब बात आती है कि निर्वाचक मंडल हमने लिया कहाँ से है, तो ये हमने लिया आयरलैंड के संविधान से, कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, कहाँ से,
आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो देखिएगा दोस्तों, ये भी चीज़ साथ में चलती रहती है। तो हमारी तीन बातें होगी। नंबर वन, बोलिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन संपन्न करवाता है? तो निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ पर उठाया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में। कौन से अनुच्छेद में है पार्ट? तो 71 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है? तो निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कौन सा अनुच्छेद है? तो 54। निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो आयरलैंड के संविधान से। निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त क्या है? तो देखिए, ये आपका अगला टॉपिक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें, तो पहली बात है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है उसके लिए उसके जो निर्वाचक मंडल वाले लोग हैं उनमें से 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। मतलब उसके अनुमोदन करने चाहिए कि हम इनका सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रस्ताव करते हैं कि ये आदमी होना चाहिए। और दूसरा, 50 सदस्य उसका सपोर्ट करने वाले यानी अनुमोदक होने चाहिए। तो 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य क्या होंगे? अनुमोदक होंगे। और 15,000 रुपये जमानत राशि के लगेंगे। कितने रुपये? 15,000 रुपये जमानत राशि के लगेंगे। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो एज ए हमारे गारंटर हो गए। तो 50 सदस्य तो कौन है? अब प्रस्तावक। और 50 सदस्य ही कौन है? अनुमोदक। और 15,000 रुपये की क्या लगती है? जमानत राशि लगती है। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्त है। और कल हमने पढ़ा था अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59। 58 में हमने राष्ट्रपति के लिए आवश्यक अर्हताएँ पढ़ी थी, अर्हताएँ। और 59 में हमने निर्हताएँ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? निर्हताएँ। तो अर्हताओं में हमने बोला था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, और हमने कहा था कि भाई वो लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखना होना चाहिए। और 59 में उसकी निर्हताओं में लाभ का पद नहीं होना चाहिए, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हमारी कल बात हुई थी। तो वो सब योग्यताएं, वो शर्तें आती हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ये सारी बातें आ गई। अब आता है बात राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका। तो हमने कल ही टॉपिक में पढ़ा था निर्वाचन का तरीका, अनुच्छेद कौन से में दे रखा है? 55। अब देखो, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है? तो निर्वाचक मंडल, वो अनुच्छेद कौन सा? 54। बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका कौन से अनुच्छेद में है? तो 55 में। कौन से में? 55 में। तो देखो दोस्तों, हमने बचपन में ही सुना था या पढ़ा था कि भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संपूर्णीय मत प्रणाली के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संपूर्णीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी उस पद्धति का नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संपूर्णीय मत प्रणाली। ये किसकी है? तो प्रोफेसर हेयर की है। प्रोफेसर हेयर, हेमर भी बोल देते हैं लेकिन प्रोफेसर हेयर के नाम से जाना जाता है। एक बार फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हमने कहाँ से ले, किस विचारक की है? तो किस विचारक की? तो प्रोफेसर हेयर की। अब हम बात करते हैं ये प्रणाली हमने कहाँ से ली है। तो डेनमार्क का मंत्री था एंडे। डेनमार्क का मंत्री कौन था? एंडे। उसने इसको सबसे पहले डेनमार्क में लागू करवाया था। कहाँ पर लागू करवाया था? डेनमार्क में। अतः इसको एंडे प्रणाली भी बोलते हैं। कौन सी प्रणाली? एंडे, एंडे प्रणाली बोलते हैं। और इसको वरीयता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। वरीयता के कारण, वरीयता मतलब इसमें जो वोट पड़ते हैं वो वरीयता क्रम में पड़ते हैं, तो वरीयता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को एंडे प्रणाली, इसी को वरीयता प्रणाली, इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संपूर्णीय मत प्रणाली बोलते हैं, जिसका जनक कौन हो गया? प्रोफेसर हेयर। और यह व्यवस्था सबसे पहले लागू कहाँ पर हुई? तो डेनमार्क में। कहाँ पर हुई? डेनमार्क में। यह पद्धति होगी। अब प्रश्न उठता है कि यह पद्धति क्या है, यही क्यों अपनाएगी? तो राष्ट्रपति हमारा देश का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, तो उसके चुनाव को हमने ऐसे बनाया कि एक तो इस पद्धति के माध्यम से पूरे देश का समान प्रतिनिधित्व होगा। कौन सा होगा? समान प्रतिनिधित्व। समान प्रतिनिधित्व से सुन लीजिए, जैसे आज यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, स्वाभाविक सी बात है। तो अगर हम सीधे तरीके से वोट डालें तो यूपी का जो व्यक्ति, यूपी जिसको चाहती है वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। सिक्किम में मान लो लोकसभा की सीटें कम है तो वहां पर स्वाभाविक सी बात उनका प्रतिनिधित्व तो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए कहता कि इस फॉर्मूले के माध्यम से, चाहे
जिसकी विधानसभा और लोकसभा सीट ज़्यादा है तो वहाँ भी उनका प्रतिनिधित्व बराबर आएगा, और अरुणाचल प्रदेश में भी बराबर आएगा, तो गोवा में भी क्या आएगा, बराबर आएगा। इससे मतलब सबका समान प्रतिनिधित्व होगा, इससे सबका क्या होगा, समान प्रतिनिधित्व होगा। तो देश में राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व लाने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई, और साथ में एक न्यूनाधिक है। न्यूनाधिक का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव जीतेगा वो कम से कम 50 प्लस होना चाहिए, 50 प्लस वोटिंग लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अपन जैसे लोकसभा के विधानसभा चुनाव देखते हैं तो कोई भी चुनाव लड़ता है, जैसे कोई चुनाव में 5 उम्मीदवार खड़े हो गए, अब मान लो एक के 21% वोट आ गए, एक के 19 आ गए और तीन के 20-20 आ गए मान लो, तो मान लो तो 21% वाला विजय घोषित हो गया हमारे लोकसभा में, विधानसभा में या अन्य चुनावों में जितने भी, यही चलता है। अब आप खुद सोचिए 79% लोग उसको नहीं चाहते। तो ये बात राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव में उसको न्यूनाधिक बहुमत होना चाहिए। न्यूनाधिक का मतलब कम से कम आधे से अधिक वोट इसको मिलने चाहिए। तो ये प्रणाली बेसिकली वैसे समझने में कठोर प्रणाली है, समझने में क्या है, कठोर है, जटिल प्रणाली है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रणाली है, जटिल है, लेकिन ये प्रणाली हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व है और न्यूनाधिक बहुमत के लिए आवश्यक थी, इसलिए हमने इस प्रणाली को अपनाया। अब ये प्रणाली होती क्या है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें MLA का वोट पड़ता है। किसका? MLA मैंने आपको बताया था कि भाई MLA कौन हो गया, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो MLA कहलाते हैं। तो MLA वोट वैल्यू निकलेगी, MLA वोट वैल्यू निकलेगी। MLA वोट वैल्यू का मतलब ही समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं ये क्या कैसे निकलेगी, ये ऐसे नहीं है, मतलब कहने का मतलब एक MLA वोट डालता है तो वो सीधा एक वोट डालेगा, ऐसा नहीं है, वो डालेगा तो एक वोट ही, लेकिन उसके वोट की वैल्यू निकलेगी। पहले वोट की क्या निकलेगी, वैल्यू, तो वो वैल्यू गिनी जाएगी, क्या गिनी जाएगी, वैल्यू। तो वोट वैल्यू, वोट वैल्यू मतलब उससे उसके वोट का मूल्य निकलेगा। पहले हर राज्य का अलग अलग क्या निकलेगा, MLA का मत मूल्य निकलेगा, और जो MLA वोट डालता है उस मतपत्र का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। कौन सा होता है? गुलाबी। वोट वैल्यू निकलेगी और उस मतपत्र का रंग कौन सा होता है? गुलाबी। अब वो वोट वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे कोई भी राज्य की जनसंख्या, कोई भी राज्य की क्या है, जनसंख्या, वो भी कौन सी जनसंख्या, 1971 वाली, 1971, तो राज्य की जनसंख्या 1971 बटा हो गया, तो वहाँ के निर्वाचित MLA, वहाँ के निर्वाचित MLA, और फिर भाग दिखाया, भागफल 1000, भागफल कितना है 1000, भागफल कितना है 1000, समझ गए। तो राज्य की जनसंख्या कब की, 1971 की, और फिर उसमें निर्वाचित उम्मीदवार कितने, 200, कितने हो गए 200, और फिर भाग कितना हो गया 1000, भाग कितना हो गया 1000। ये जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो राजस्थान की जनसंख्या 1971 में मान लो 3 करोड़ थी, मान लो 3 करोड़ थी, उम्मीदवार कितने हमारे 200, तो 3 करोड़ में 200 का भाग लगा दिया, फिर भागफल कितना निकाला 1000 से। तो ऐसे करके राजस्थान में एक विधायक की वोट वैल्यू जो आई वो 129 रुपये आई, कितना 129। पूछता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब राजस्थान के एक विधायक की वोट वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी है, तो 129 रुपया। अब मैं बोल रहा हूँ इसको ही आप कैसे बता सकते हो, ऐसे करके सभी राज्यों की निकलेगी, तो सभी राज्यों की निकलेगी तो स्वाभाविक सी बात है सभी राज्यों में MLA की वोट वैल्यू असमान होगी, सभी राज्यों में वोट वैल्यू पूरे देश में क्या होगी, असमान। सभी राज्य के MLA की वोट वैल्यू क्या होगी, असमान। क्यों? कि आप देखोगे तो यूपी की जनसंख्या अलग है, वहाँ के विधायक अलग हैं, तो सबकी वोट वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसमें MLA की वोट वैल्यू है वो सभी राज्यों में क्या निकलेगी, असमान होगी। क्या होगी? असमान। ये क्वेश्चन रीट 2011-13 में आया था कि भाई MLA की वोट वैल्यू क्या होती है, तो असमान होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होती है? असमान। राजस्थान में एक MLA की वोट वैल्यू कितनी है बोलो, तो 129 रुपया। वोट जो MLA वोट देता है उसका रंग कैसा होता है, तो गुलाबी। और मैंने बोला वोट वैल्यू का सूत्र क्या है, तो राज्य की जनसंख्या 1971 बटा राज्य के निर्वाचित MLA जो गए यानी विधायक, भाग क्या है 1000। ये टोटल आपका फॉर्मूला किसका है, तो राज्य की MLA वोट वैल्यू। अब हम बोल रहे हैं MP वोट वैल्यू।
एमपी जो मत डालता है उसका रंग हरा होता है, उसका रंग क्या होता है, हरा। अब देखिए दोस्तों, आपने पूरे देश के एमएलए का मतमूल्य निकाल लिया, पूरे देश के, जैसे उदाहरण है राजस्थान के एक एमएलए का मतमूल्य कितना है, 129 रुपया, तो यहाँ पे टोटल एमएलए कितने हैं, 200, तो 29 को 200 से गुणा किया तो ऐसे करके राजस्थान का पूरा एमएलए का मतमूल्य आ गया, यूपी का पूरा मतमूल्य आ गया, एमपी का आ गया, ऐसे करके पूरे देश का मतमूल्य आ गया, तो वो कुल एमएलए का मतमूल्य हो गया। और निर्वाचित एमपी, निर्वाचित एमपी का मतलब सुन लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, तो वो टोटल एमपी का, निर्वाचित एमपी का आप भाग दे दो किस में, उसमें कुल एमएलए मतमूल्य में, तो एक एमपी का मतमूल्य आ जाएगा, तो लगभग एक एमपी का मतमूल्य कितना रुपया है, 703 रुपया, 700 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ देते हो तो कितना है, 703 रुपया है, 703 रुपया। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एमपीज का मतमूल्य पूरे देश में क्या है, समान है, एमएलएज का मतमूल्य तो पूरे देश में क्या है, समान, एमएलएज का मतमूल्य तो पूरे देश में क्या है, समान, और एमपीज का मतमूल्य पूरे देश में क्या है, समान, पूरे देश में क्या है, समान, तो एमपीज का मतमूल्य पूरे देश में समान है दोस्तों, तो एमएलएज का तो असमान हो गया, एमपीज का क्या हो गया, समान, और कितना है एमपीज का मतमूल्य, 703 रुपया, और राजस्थान में एक एमएलए का मतमूल्य कितना है, तो 129 रुपया। अब इस प्रकार से एमएलए और एमपी की वोट वैल्यू निकल गई, तो ये तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया। अब न्यूनाधिक बहुमत वाला के लिए कोटा निकलेगा, कौन सा निकलेगा, कोटा, कोटा क्या है, तो उसका सूत्र देखिए, वैध मतों की संख्या, वैलिड मतों की संख्या, वैलिड वोट की संख्या, जैसे मैंने बोला राष्ट्रपति के चुनाव में वैध मत कितने पड़े, समझ गए, और बटा निर्वाचित उम्मीदवार, तो निर्वाचित होने वाला उम्मीदवार तो क्या होगा, एक, तो वैध मतों की संख्या है ना, और बटा क्या हो गया, निर्वाचित उम्मीदवार, निर्वाचित उम्मीदवार, उनके आगे प्लस एक, प्लस एक लगा रखा है। अब जैसे निर्वाचित उम्मीदवार हमारा क्या होगा, एक, इसके आगे प्लस एक लगा दिए तो कितने हो गए, दो। मान लो चुनाव में वैध मतों की संख्या कितनी थी, 10,000, तो 10,000 के आगे प्लस एक लगा लिया तो 10,000 क्या होगी, एक। अब 10,000 एक में आपने दो का क्या दिया, भाग, तो दो का भाग दिया तो 5,000 प्लस हो गया, 5,000 क्या हो गया, प्लस, तो जिस व्यक्ति के राष्ट्रपति का चुनाव वही जीतेगा जिसके दो, मतलब आधे से अधिक वोट आए। इस प्रकार से इसमें न्यूनतम कोटा निकाला जाएगा, न्यूनतम मतों का क्या निकाला जाएगा, कोटा। तो इसके सूत्र बोलो, वैध मतों की संख्या प्लस क्या हो गया, एक, और निर्वाचित उम्मीदवार प्लस क्या हो गया, एक। मैंने बोला वैध मत मान लो कितने पड़े, 10,000, उसमें प्लस एक कर दिया तो 10,000 एक हो गया, और नीचे आपका निर्वाचित उम्मीदवार कितना है, एक, और उसमें प्लस एक कर दिया तो कितने हो गए, दो, तो दो का भाग आपने 10,000 एक में दिया तो 5,000 प्लस हो गया ना, तो इस प्रकार से एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 5,000 प्लस होना चाहिए, यानी आधे से अधिक होने चाहिए, आधे से अधिक नहीं होता है तो द्वितीय मतगणना की जाती है, द्वितीय मतगणना, जब तक मतलब आधे से अधिक नहीं होगा तो तीसरी मतगणना भी होगी, और अगर फिर भी नहीं कोटा पूरा हुआ तो दोबारा चुनाव होंगे, लेकिन न्यूनाधिक बहुमत होना आवश्यक है। इस प्रकार से आपने देखा तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर बोलूँगा, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है, जो प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से, और ये कौन से अनुच्छेद में, तो 54 में, इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बाद में हमने बोला राष्ट्रपति का चुनाव के लिए का चुनाव होता कैसे, तो वो कौन सी पद्धति कौन से में दे रखी है, तो 55 में, वो पद्धति का नाम क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकुणीय मत प्रणाली है, और ये कहाँ से ली, ये किसकी है, तो प्रोफेसर हेयर की है, इसको सबसे पहले डेनमार्क में एंडे ने, वहाँ के मंत्री एंडे ने लागू किया, तो इसको एंडे पद्धति भी बोलते हैं और इसको वरीयता प्रणाली भी बोलते हैं। अब इसमें वोट वैल्यू कैसे निकलती है, तो पहले एमएलए की वोट वैल्यू निकलती है, एमएलए की वोट वैल्यू पूरे देश में असमान होती है, फिर एमपी की वोट वैल्यू निकलती है, वो पूरे देश में क्या होती है, समान होती है, और फिर कोटा निकलता है, तो वैध मतों की संख्या प्लस एक और निर्वाचित उम्मीदवार प्लस एक, ये करके कोटा निकलता है, तो ये पद्धति अपनाई क्यों जाती है, तो पूरे देश में समान प्रतिनिधित्व है और न्यूनाधिक बहुमत के लिए पद्धति अपनाई जाती है। इस प्रकार से आपने देखा तो राष्ट्रपति का क्या हुआ, चुनाव संपन्न हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव क्या हुआ, संपन्न। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमने बताया।
अब इसका एक पार्ट और बनता है, वो है महाभियोग, और फिर आपका राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब दोस्तों मैंने आपको पूरा समझाया, तो तीन पार्ट थे, पार्ट ए में राष्ट्रपति का सामान्य परिचय था, पार्ट बी में राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति थी, पार्ट सी में अभी आज आपको निर्वाचन की प्रक्रिया बताई है जो पर्टिकुलर बहुत से सिलेबस में दे रखा है, और अब हम अगला पढ़ेंगे पार्ट चार जिसमें महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विचार करेंगे। पार्ट चार में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और महाभियोग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों रोजाना आप देखते रहें, कंटिन्यू देखें, शेयर करें, शेयर करके उनको सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे बढ़ाते रहें, इसमें पक्ष और विपक्ष में अपने मत भी दें जिससे हम और आगे बढ़ें। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हर परीक्षाओं में आपका उपयोगी है, हर परीक्षाओं में इसको डिटेल से बताया जा रहा है, तो थोड़ा देखें, रोजाना जुड़े रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ, और बहुत बहुत आपका आभार।